यू आर हार्टली वेलकम ऑन द चैनल एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और अभी आप अपने सामने देख रहे हैं ये बकेट डस्टबिन और ये मग और ये फ्रॉम द ब्रांड मिल्टन है स्पॉटज़ीरो बाय मिल्टन। तो ये बकेट इसका हैंडल वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी बना हुआ है, मतलब अच्छी खासी कैपेसिटी है इस बकेट की। और डस्टबिन ये मैंने किचन के लिए लिया है जो कि इस तरह से आप कुछ भी आपका हाथ गंदा है बस इस तरह से हाथ को इस तरह से करके आप इसके अंदर कचरा इजीली डाल सकते हैं, इससे आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। और ये इसके साथ मग है इस तरह से, मतलब ओवरऑल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और ये इजीली अवेलेबल है किसी भी शॉप में, आपको जो टब वगैरह लगते हैं वहाँ से मिल जाएगा, मैंने वहीं से परचेज़ किया है। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ, इस ब्रांड का मैं ब्रूम यूज़ कर रही हूँ झाड़ू, जो कि मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ। ये झाड़ू स्पॉटज़ीरो बाय मिल्टन का ही है, ये इसका जो ये ब्रिसल्स है वो प्लास्टिक ब्रिसल्स है और ये बहुत अच्छा मतलब काम कर रहा है। एक साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और वो वैसा का वैसा है, नॉर्मल झाड़ू ख़रीदते हैं अच्छा खासा पैसा भी लग जाता है और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करेंगी तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा, क्योंकि मुझे भी हो रहा था, लेकिन अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है और ये झाड़ू एक साल का हो चुका है और इसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि एक साल और चल जाएगा। और इसका प्राइस लगभग मुझे पड़ा था 200 या 200 से भी कम का था ये झाड़ू। और ये बकेट मुझे मिल गया था 300 का, ये बकेट मिला था 100 का ये मिला है, और ये बकेट मुझे 50-60 रुपीज़, ये मग मुझे 50-60 रुपीज़ का मिल गया था, शॉप वाले से लिया था इसलिए इसका प्राइस मुझे कम में मिल गया। अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदोगे तो हो सकता है इसको आप MRP पे ही मिल जाए। तो यही थी चीज़, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ का अच्छा, आप आराम से ले सकते हैं।